विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक सेवा की पहुंच बढ़े और सभी जागरूक हो, इस उद्देश्य से संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं का शुभारंभ अजमेर के पुलिस लाइन ग्राउंड में किया गया, जहां मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश कौशल सिंह ने प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामलाल जाट के साथ ही अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विधिक जानकारियां कम होती हैं। ऐसे में बच्चों में विधिक जानकारियां साझा करने के साथ ही ग्रामीण स्तर तक न्याय की पहुंच बढ़ सके, इसे लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम पहुंच रही है। इस माध्यम से उन्हें तमाम जानकारियां मिल सके, इसी उद्देश्य से ये प्रतियोगिता आयोजित करवाई जा रही है। इन प्रतियोगिताओं में वॉलीबॉल, फुटबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद, टेबल टेनिस जैसे महत्वपूर्ण खेलों को भी शामिल किया गया है। इनके माध्यम से बच्चे अपने आप को स्वस्थ रखने के साथ ही प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में भी भाग लेंगे। आज अजमेर मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर की ओर से संभाग स्तर की खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। आज की इस प्रतियोगिता में बिल्कुल टोंक, बेलवाड़ा, अजमेर और नागौर के दूरस्थ क्षेत्र से गांव ढाणी स्तर तक से बच्चे आए हुए हैं, और इसी के साथ जैसा कि जितने डिस्टेंस से बच्चे आए हैं उतनी डिस्टेंस तक न्याय की पहुंच बढ़ाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। किस तरीके के खेलकूद रहेंगे और कितनी टीमें इसमें भाग लेंगी? इस प्रतियोगिता में 4 जिलों की टीमें भाग ले रही है, और जैसा कि दौड़ की, वॉलीबॉल की, फुटबॉल की आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। ये न्याय की पहुंच समाज के वंचित और दूरस्थ तबके तक पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? आज का ये उद्घाटन आज के कार्यवाहक जिला न्यायाधीश श्री कौशल सिंह जी द्वारा किया गया।